अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ जनरेशन टाइम फॉर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इनमें क्या होता है कि आप कह लें कोई भी जो ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, गॉल्जी बॉडीज़ हैं, वो इनमें नहीं होते। ट्रू न्यूक्लियस बेसिकली इनको हम कहते हैं, इनमें नहीं होता। अच्छा, इसमें बेसिकली कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और आर्किया आते हैं। अच्छा, जनरेशन टाइम इनमें क्या होता है कि वो टाइम जो एक पॉपुलेशन को डबल होने में लगता है, यानी एक सेल है ना, तो दो सेल जो उससे बनेंगे, उस एक सेल से इसमें जितना टाइम लगेगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? जनरेशन टाइम। और ये डबलिंग किसके थ्रू होनी चाहिए? बाइनरी फिशन के थ्रू। पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिशन एक्चुअली है क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, हमारे पास एक बैक्टीरियल सेल है, पहले क्या होगा, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, यानी उसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसमें क्या होगा कि इस तरह करके ना इन्वेजिनेशंस बन जाएंगी। फिर इन इन्वेजिनेशन से सेल जो है वो दो में सेपरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है किसका? बाइनरी फिशन का। और बैक्टीरिया में जनरेशन टाइम क्या है कि एक सेल से डबल होना, ठीक है, वाया द राउंड ऑफ बाइनरी फिशन। अच्छा, अब ये जो डबलिंग टाइम है ना, ये सारे बैक्टीरिया के लिए सेम नहीं होता। जैसे ई कोलाई जो है वो एक सेल से दो सेल जो हैं वो 20 मिनट्स में बन जाते हैं, लेकिन उसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। अब अगर हम बात करें पैथोजींस की, यानी वो बैक्टीरिया जो डिज़ीज़ काज करते हैं, तो वो रैपिडली ग्रो करते हैं, उनका जनरेशन टाइम कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, यानी जो वो बैक्टीरिया जो टीबी काज करता है, उसके लिए कितना टाइम है, जनरेशन टाइम उसका कितना है, 15 से 20 आवर्स। जबकि ई कोलाई का जनरेशन टाइम कितना था? ओनली 20 मिनट्स, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसके अलावा एक और हमारे पास बैक्टीरिया है लेप्राए, जिसका जनरेशन टाइम कितना है, 14 डेज, यानी वो 14 दिन में एक सेल से दो सेल बनते हैं। अब ज़रा यहाँ पर देखें, ज़रा क्रिटिकल चीज़ है नंबर ऑफ़ सेल, एक, ये एक नंबर ऑफ़ सेल है, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ जनरेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट सेल है। बाइनरी फिशन हुई, ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सेल कितने हैं? दो। और जनरेशन कितनी है? फर्स्ट जनरेशन, ये पेरेंट सेल था ना, इसकी पहली जनरेशन कौन सी है, जिसको हम F1 कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये है। अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ़ सेल कितने हैं? दो। और जनरेशन कौन सी है? 1। अब इन दो सेल से आगे 4 सेल्स बने, ठीक है, इनमें बाइनरी फिशन हुई और टोटल कितने सेल्स हो गए? 4। और ये जनरेशन कौन सी है? F2, ठीक है। अब ये 4 सेल हैं तो ये डबल हो गए, कितने बनाएंगे? 8। इस एक सेल से ये 2 बने, इस एक सेल ने डिवाइड हो गए, ये सेल्स बनाए, इसी तरह ये डिवीजन होकर 2-2 सेल्स बनते गए। अब यहाँ पे टोटल सेल्स कितने हैं? 8। और ये जनरेशन कौन सी है? 3, ठीक है। यानी सेल्स जो हैं वो हर जनरेशन के बाद डबल हो जाते हैं। अगर एक है तो 2 हो जाएंगे, 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, ठीक है, 3 नहीं होंगे, 4 हैं तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? जनरेशन टाइम है बैक्टीरिया का।